चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रॉड से पढ़ चुके थे, ठीक है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स। डिस्क्रीट चार्जेस के लिए देख चुके थे, स्केलर क्वांटिटी कोई टेंशन ही नहीं हो रहा हम लोग को, ठीक है। रॉड के लिए हम लोग उसके एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों देख चुके थे, ठीक। अब थोड़ा सा सरफेस चार्ज डेंसिटी पे आते हैं, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, और उसमें हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी पता ही है, हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा लेते हैं ना, ठीक है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। एक तो चार्ज पर यूनिट एरिया, अच्छा ऐसा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि थिकनेस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है ना, थिकनेस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टू सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, क्या आपके बुक के या कॉपी का पेज, पेज का सरफेस एरिया कंपैरिजन उसका थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है, तो उसमें हम लोग अगर हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो चार्ज की जो डेंसिटी पड़ेंगे वो कैसा पड़ेंगे, हम लोग सर्फेस चार्ज डेंसिटी पड़ेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर है। जिसमें हम लोग किस केस को देख रहे हैं, डिस्क को देख रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लो कोई डिस्क है यूनिफॉर्मली चार्ज ऑन इट सर्फेस, और सर्फेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक। रेडियस क्या है, आर। अब हम लोग को निकालना होगा क्या, इसके सेंटर पे, इसके एक्सिस पे, इसके पेरिफेरी पे पोटेंशियल निकालना होगा। तो हम लोग कहाँ कहाँ निकालना है, सेंटर पे देख लेते हैं पहले, ठीक, क्लियर है। फिर इसके कहाँ पे देख लेंगे, एक्सियल डिस्टेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पेरिफेरी पे, पहले इन दोनों को देखते हैं फिर उस पर आते हैं, ठीक है। सेंटर पे, तो सेंटर पे कैसे देखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सेंटर पे देखना है। तुम लोग रिंग से जानते हैं कि रिंग, अगर कोई रिंग होता, ठीक है, उसका चार्ज क्यू, तो सेंटर पे क्या होता है आपका, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, रेडियस अगर आ रहे तो, ये फॉर्मूला हम लोग पास पता है। तो अब हम लोग जानते हैं डिस्क क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, जैसे कोई डिस्क है, ठीक है, तो डेढ़ सारा पॉइंट रेडियस, ऐसे 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 रिंग का रेडियस बढ़ाते जाओ जीरो से आर तक, तो क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा, सबको एक साथ, ठीक है, रख दे तो सब क्या बन जाएगा, जीरो से आर तक, रेडियस जीरो से आर तक, ठीक है। तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट का डायरेक्शन को कोई लोचा है नहीं, ठीक है, डायरेक्शन को कोई लोचा है नहीं। यहाँ से मानते हैं यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स बनेगा ना, रेडियस कहाँ से कहाँ रहेगा, जीरो से आर, तो x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का हम लोग मानेंगे, कितने विड्थ के लिए, रिंग का रेडियस क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग बनेगा, हर एक रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा, बदलता रहेगा, तो हम लोग x डिस्टेंस पे dx विड्थ के लिए मानेंगे कि उसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा, dx क्या है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल विड्थ है, ठीक है, इतने विड्थ के लिए मानेंगे कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये विड्थ हमारा क्या है, dx है, क्लियर है। तो अगर इसका चार्ज हमारे पास पता हो dq है, ठीक है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर क्या आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या आ जाएगा, dq अगर इसका चार्ज है रिंग का, तो 4 पाई एप्सिलॉन x रेडियस, ठीक है, यही ना है, ठीक। तो dq चार्ज कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, चार्ज पर यूनिट एरिया पता है, तो अगर हमको एरिया पता चल जाए, चार्ज पर यूनिट एरिया पता है, तो अगर एरिया पता चल जाए तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया निकालेंगे तो इतने दूर का चार्ज निकल आएगा, यानी इतने दूर का अगर चार्ज निकालें तो इतने दूर का हमको एरिया निकालना होगा, ठीक है, इतने दूर का एरिया हम लोग निकाले हुए हैं पहले भी, ठीक है, बहुत जगह निकाले हुए, क्या इतने दूर का एरिया, इतने दूर तक हम लोग रेडियस कॉन्स्टेंट माने जाते हैं, रेडियस कॉन्स्टेंट मतलब सर्कमफ्रेंस कॉन्स्टेंट, टू पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस, अगर आर कॉन्स्टेंट है तो टू पाई आर भी कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो इतने दूर तक, इतने विड्थ के लिए, dx विड्थ के लिए हम क्या माने हैं, रेडियस कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट यानी सर्कमफ्रेंस कांस्टेंट, सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई x है, कितने विड्थ तक कांस्टेंट है, dx विड्थ तक, तो एरिया क्या जाएगा आपका, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ कितना है, 2 पाई x, कितने विड्थ तक कांस्टेंट है, dx, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहां पे, तो चार्ज क्या जाएगा, सिग्मा इनटू dA, ठीक है, तो सिग्मा इंटू डी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा ही रहेगा, ये 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारे पास, डी क्यू है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या रख दोगे, सिग्मा 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, तो एक्स एक्स काट दो, 2 पाई से मानो तो ये भी काट दो 2 टाइम्स में, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन
ठीक है, क्या बचेगा डी एक्स, सॉरी सेंटर पे है ना डी बी सी, इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से इंटीग्रेट करेंगे रेडियस को, जीरो से आर तक दिया जाएगा। ठीक, सेंटर तो एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स ही आएगा, यानी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। ठीक, एक्स आएगा जीरो से आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सिग्मा आर बाई टू एप्सिलॉन। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं। ठीक है, वही चीज हम लोग एक रिंग ले रहे, रिंग का पता हमको सेंटर से, सारे पॉइंट चार्ज इक्विडिस्टेंट होंगे, सारे पॉइंट चार्ज क्या होंगे इक्विडिस्टेंट होंगे, तो क्या होता है डी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए तो कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं, सारा एड अप हो जाएगा। क्लियर है, चलिए थोड़ा हम लोग देखते हैं डिस्क के एक्सियल डिस्टेंस पे। मान लो ये डिस्क है, ठीक है, फिर से वही वाला केस लेके चलेंगे, रिंग का ही लेके चलेंगे। ठीक, रेडियस वही अपना आर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और आर स्मॉल आर डिस्टेंस में हम लोग को पी पॉइंट पर निकालना पोटेंशियल। ठीक है, ये डिस्टेंस आर है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे वही एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस डी एक्स विड्थ का रिंग ले लेंगे, उससे हम लोग इक्वेटोरियल, अरे सॉरी एक्सियल आर निकाले ना, क्या है क्यू अपॉन रिंग वाले से निकाले थे ना, अगर ये आर है, ये आर है, यहाँ टोटल चार्ज, ठीक है क्यू है, तो क्या था क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, ये डिस्टेंस सबके लिए फिक्स था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये वाला ले लेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये डी क्यू चार्ज है, तो हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, रिंग का चार्ज अगर डी क्यू है तो अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, हर एक पेरिफेरी से कितना डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज हो गया ना, ये रेडियस आर है यहाँ पर रिंग का, यहाँ रेडियस रिंग का क्या है एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स विड्थ के लिए हम लोग माने हैं कि रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, डी एक्स विड्थ के लिए हम लोग रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इस रिंग को हम लोग को यहाँ पता है। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू क्या लिख देंगे, डी क्यू की वैल्यू वही सिग्मा, एरिया वही है हमारे पास, डी एक्स विड्थ के लिए रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या भी चेंज नहीं होगा, सरकमफ्रेंस चेंज नहीं होगा, सरकमफ्रेंस चेंज नहीं होगा तो सरकमफ्रेंस इंटू विड्थ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, एरिया इंटू सिग्मा कर देंगे चार्ज आएगा, तो सिग्मा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ जीरो से आर। ठीक है, तो क्या बाहर आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जीरो से आर। अंदर वाले को कुछ टी मान लोगे अगर आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सब क्या सब्स्टिट्यूट कर दो टी स्क्वायर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो 2x, ये जीरो आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जीरो कांस्टेंट का, एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t dt। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो x dx की जगह क्या आ जाएगा t dt, x dx की जगह t dt और इसकी जगह t स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा t आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ठीक तो पॉइंट का डी आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ टी डी टी और ये अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से आर, एक्स को अगर जीरो रखेंगे तो टी की वैल्यू आर आ जाएगा। ठीक, और एक्स को अगर कैपिटल आर रखेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ देख लो एक्स अगर जीरो रखते हैं तो टी की वैल्यू आर हो जाएगा, एक्स वैल्यू कैपिटल आर रखते हैं तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आर से ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, टी आ जाएगा आर टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपर लिमिट माइनस। क्लियर है, ठीक है, चलिए इसको ये रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर देखें हम लोग पेरीफेरी वाला पॉइंट। ठीक है, कि पेरीफेरी पे क्या होगा पोटेंशियल डिस्क। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।